Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is Redefining the Geography of Education through Digital Resource for Conceptual Learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Scale Up Mathematics Series Grade 3 and the Unit 7. The title of Unit 7 is Algebra. Algebra में सबसे पहले हम इसके SLOs देखेंगे. इसके SLOs में देखेंगे कि सबसे पहले knowledge क्या हासिल करेगा. After reading this unit, ये unit के बाद the student will be know, student क्या जान चुका होगा, that pattern can be found in numbers, के pattern के कैसे numbers से found कर सकते हैं. For example, odd number and even numbers, skip counting, इनको इसमें देखेंगे. That pattern can be analyzed and identified by rules. हम इसको कैसे इसको analyze कर सकते हैं, इस pattern को और rules के साथ कैसे इसको कर सकते हैं, identify हम कर सकते हैं, वो हम rules भी देखेंगे, कैसे हम pattern को identify करते हैं. How to understand the inverse relationship between addition and subtraction. Addition and subtraction के बीच में जो inverse relation है वो क्या है उसको भी हम understand करेंगे. और how to understand the associate and commutative properties of addition. हम understand करेंगे associative property को और commutative property को. ये lectures attend करेंगे बस student क्या skill हासिल कर चुका होगा वो ये skill हासिल कर चुका होगा कि वो recognize कर पाएगा a given increasing and decreasing pattern by starting pattern rule. के पैटर्न रूल के साथ कैसे पैटर्न इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएगा. एक्सटेंड एंड डिवेलप पैटर्न्स इन नंबर्स कि वो एक्सटेंड कर पाएगा या डिवेलप कर पाएगा पैटर्न्स को जो कि नंबर्स में शो हो रहे होंगे. यूज नंबर पैटर्न टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ सिचुएशंस क्यों कहते हैं कि जो नंबर पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करके उनको यूज करके वो अंडरस्टैंड करके उनको रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आ रहे हैं उसको भी सॉल्व कर सकेगा. यूज the properties and relationship of addition and subtraction to solve problem. हम addition और subtraction की properties को use करके हम इनका जो आपस में relation है इनको करके हम problems को कैसे solve कर सकते हैं वो ये भी recognize कर चुका होगा. इसके साथ साथ हम इस chapter में देखेंगे कि number pattern क्या होता है. number pattern के बारे में हम देखेंगे साथ इसके हम examples को discuss करेंगे. फिर हम देखेंगे a pattern of a multiples of a number, multiple of numbers का pattern क्या होता है. फिर हम ज्योमेट्रिक नंबर पैटर्न भी इसमें देखेंगे. फिर हम इसमें रियल वर्ल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अ पैटर्न के ऊपर कैसे प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. फिर इसके साथ हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के साथ फिर हम अगले टॉपिक में मूव करेंगे. वो क्या होगा हमारा इनवर्स ऑपरेशन. इनवर्स ऑपरेशन में सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखेंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन को देख के फिर हम देखेंगे फाइंडिंग अननोन वैल्यूज यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन के अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है इनवर्स ऑपरेशन में. इसके साथ ही हम इसकी प्रैक्टिस के लिए करेंगे 7.2. उसके बाद हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ देखेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा. आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.